नमस्कार मेरे दिव्य परिवार को मन भावन सावन की हार्दिक बधाइयाँ और भगवान सदाशिव आप सभी पर लगातार कृपा बरसाए रखे, ऐसी शुभकामना के साथ आइए जानते हैं इस वीडियो में 12 राशि के हिसाब से सावन में हम भगवान शिव की आराधना कैसे करें। एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ फाल्गुनी और आप देख रहे हैं दिव्य होम। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाए, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं 12 राशि के हिसाब से हम सावन मास में उस राशि के जातक किस तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करके उनकी कृपा पा सकते हैं। वैसे भगवान शिव भोलेनाथ है, छोटा सा भी उपाय करने से वो बड़े जल्दी से प्रसन्न होते हैं और ये सब जानते हुए बहुत बहुत छोटे और बहुत घरेलू उपाय में लेके इस बार आई हूँ कि जो आप घर बैठे कर सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातक का स्वामी मंगल है, जो 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 मंगल की पूजा शिवलिंग के स्वरूप में भी कर सकते हैं और वो दही से अभिषेक करके लाल गुलाब भगवान शिव को अर्पित करें। वृषभ राशि वाले जातक जिसके राशि स्वामी शुक्र है, जो शुक्र ग्रह का दोष मिटाने के लिए दूध और दही से शिवलिंग का अभिषेक करें, इसके बाद उनका जलाभिषेक भी जरूर करें तथा शिवजी के वाहन नंदी को हरा जो घास होता है वो और रोटी खिला के शिव की कृपा पा सकते हैं। आगे बात करते हैं मिथुन राशि की, जिनके राशि स्वामी बुध है और शिव जो शिव पार्वती दोनों की पूजा करके लाल करें, मधु, बेलपत्र आदि से शिव पार्वती की पूजा करें और पिस्ता का भोग लगा के भगवान शिव का आशीर्वाद लें। कर्क राशि के जातक जिसका राशि स्वामी चंद्र है, जो शीतल जो शिवजी के ऊपर साक्षात विद्यमान है, वे दूध और दही से अभिषेक करके दूध की मिठाई का भोग लगा के भगवान सदाशिव की कृपा पा सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि की। इस राशि के जातक के जिसका स्वामी सूर्य है और जो शीतल जल से अभिषेक करके, शीतल जो गंगा जल होता है उनसे अभिषेक करके भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं। कन्या राशि वाले जातक जिसके राशि स्वामी बुध होने से मूंग की दाल की मिठाई का भोग लगा के बेल पत्ते से पूजा करके शिव षडाक्षर मंत्र का अवश्य जाप करें और भगवान शिव की कृपा पाए। बात करते हैं तुला राशि की। शुक्र की राशि तुला की जिसके जातक भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सावन की दोनों पक्ष की अष्टमी और एकादशी तिथि के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद वस्त्र, शिवलिंग को सफ़ेद वस्त्र यानी कि भगवान शंकर को सफ़ेद वस्त्र का चढ़ा के पार्वती जी का श्रृंगार अर्पण करें, यानी कि शिव और शक्ति दोनों को वस्त्र श्रृंगार आदि से सुशोभित करें। वृश्चिक राशि के जातक जिनके राशि स्वामी मंगल होने से सावन मास में गरीबों की सेवा जरूर करें तथा शिवालय में सूर्यास्त के बाद सफाई करें। सूर्यास्त के बाद सफाई करने से मंगल के जो दोष होते हैं उसका निवारण होता है तथा शिवालय में धूप दीप से आरती भी वो कर सकते हैं। जैसे सावन के सोमवार को हम 51 आरती का भोग, 51 दिए का जो दान करते हैं वो दीप दान भी वृश्चिक राशि के जातक कर सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि की। जिसके राशि स्वामी गुरु होने से सावन के प्रत्येक गुरुवार के दिन बेसन की मिठाई का भोग लगाए तथा केसर चंदन युक्त गंगा जल से जलाभिषेक करके अपनी माता या माता की उम्र के वृद्ध स्त्रियों को पीले वस्त्रों का दान जरूर करें। बात करते हैं मकर राशि की। जिसके राशि स्वामी शनि होने से सावन में वे नीले फूलों से भगवान शिव की पूजा करें और उनका आशीर्वाद लें। कुंभ राशि के जातक को शनि दोष निवारण के लिए अब जो जरूरतमंद विद्यार्थी है उनमें शिक्षा की सामग्री यानी कि कॉपी, पेंसिल, पेन आदि का भेंट देके शिवलिंग पर काले तिल से अभिषेक करें और काले तिल की आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के राशि स्वामी गुरु है, वे ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग का में से कोई भी एक ज्योतिर्लिंग की
तीर्थ यात्रा जरूर करें, और यदि वे तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग का चित्र इंटरनेट से डाउनलोड करके उसका दर्शन पूरे सावन मास के दौरान करें और भगवान शिव का आशीर्वाद पाए। आशा करती हूँ कि आप सभी को राशि के हिसाब से ये छोटे छोटे उपाय करके भगवान शिव की आशीर्वाद मिले और शिव कृपा प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में।